अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहु। आज पिनपल का दूसरा पार्ट क्या हम ट्रांसलेशन आज करने जा रहे हैं, तो लेट अस रीड फर्स्ट। द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड। आई वंडर हाउ माई एड्रेस गॉट इनटू द पिनपल्स कॉलम इन योर कंट्री। मोर सो Because I haven't asked for a friend, Alice wrote. But it is so nice hearing from somebody unseen and unheard of. Anyway, you want me as a pen pal, and here I am. I don't know how many times I read that short story. That short note, it had all the music of life, and I felt I was in seventh heaven. I was careful in my correspondence and wrote nothing that might upset an unknown American girl. English came naturally to Alice, whereas for me it was a foreign language, acquired with great pain. I was very sentimental, even shy in my words and phrases. But hidden somewhere in the corner of my heart was a sense of romance that I dared not express. Alice wrote long letters in her balanced long hand, yet revealed little of herself. Okay, today inshallah we are going to translate to here, yahan tak aaj hum inshallah translate karenge. Okay, let us translate the passage and know the words and meaning. The reply means jawab, from far away. Far away means dur daraz. California ek shahar ka naam hai America mein. Came sooner means matlab jaldi, than I expected. Expect mane hota hai उम्मीद करना। द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया केम सूनर देन एक्सपेक्टेड। दूर दराज कैलिफोर्निया से जवाब आ गया जल्द ही, देन आई एक्सपेक्टेड, जितना कि मैंने उम्मीद नहीं किया था। यानी कैलिफोर्निया से जवाब मेरे उम्मीद से पहले आ गया। आई वंडर, वंडर मीन्स सोचना, हाउ माई एड्रेस गॉट इनटू द पेन पॉल कॉलम। गॉट इनटू समथिंग, पेन पॉल कॉलम माने जगह हासिल करना, कलमी दोस्ती के कॉलम में। ओके, आई वंडर, मैं सोचती हूँ, ये कौन लिखती है, एलिस लिखती है। आई वंडर, मैं सोचती हूँ, हाउ माई एड्रेस गॉट इन टू द पेन पॉल्स कॉलम इन योर कंट्री, कि कैसे मेरा एड्रेस, मेरा पता, मेरे पते ने हासिल कर लिया आपके दो आपके कंट्री में, आपके देश में, कलमी दोस्ती के कॉलम में। यानी मेरे एड्रेस ने आपके देश में कलमी दोस्ती के कॉलम में कैसे जगह हासिल कर लिया। मोर सो और ही ज़्यादा बात ये कि क्योंकि आई हैवेंट आस्क्ड, मैंने नहीं पूछा था, मैंने नहीं कहा था फॉर अ फ्रेंड, एक दोस्त के लिए। एलिस लिखती है
या एलिस ने लिखा, बट इट इज सो नाइस, लेकिन एक काफ़ी अच्छी बात है हियरिंग, सुनना फ्रॉम समबॉडी, ऐसे शख्स से, ऐसे कुछ लोगों के ज़रिया से जो ना देखे गए हों और ना सुने गए हों। अनसीन एंड हर्ड ऑफ माने अनदेखे और अनसुने लोगों के ज़रिया से सुनना कोई चीज़ काफ़ी अच्छी बात है। ओके तो आप ऐसे करोगे, इट इज़ सो नाइस, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा सुन करके किसी अनदेखे और अनसुने के ज़रिया से कोई चीज़। एनीवे कोई बात नहीं, एनीवे मीन्स कोई बात नहीं। यू वॉन्टेड मी एज अ पेन पॉल, आप चाहते हो मुझको एक कलमी दोस्त के तौर पे, एंड हियर आई एम, और मैं यहाँ हूँ, यानी मैं आपकी कलमी दोस्त बनने के लिए राज़ी हूँ, मैं बन सकती हूँ। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है अनसीन और अनहर्ड ऑफ, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पे भी होता है, यानी ना देखे हुए और ना सुने हुए लोग, यानी हम उर्दू में इसे अनदेखे और अनसुने कहते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई रीड दैट शॉर्ट नोट, मैं नहीं जानता हूँ कि कितनी मर्तबा मैंने उस मुख्तसर नोट को पढ़ा है। ओके, इट हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, वो रखता था जिंदगी के तमाम मौसीकी को, यानी ये लेटर जिंदगी के तमाम खुशियों को अपने अंदर लिए हुए था। एंड आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया, आई वॉज इन सेवन हेवन, कि मैं सातवें आसमान में हूँ, यानी टू बी इन सेवन हेवन का इस्तेमाल हम उस वक़्त करते हैं जब हम काफ़ी खुश होते हैं, तो आप कह सकते हो ओह आई एम इन सेवन हेवन, मैं सातवें आसमान में हूँ। आई वॉज केयरफुल, मैं बहुत सावधान, आई वॉज केयरफुल, मैं सावधान था इन माई करस्पोंडेंस, अपने मुरासलों में, केयरफुल मैंने सावधान, करस्पोंडेंस माने मुरासला, यानी जो आप एक दूसरे को जो लेटर भेजते हो उसमें। एंड रोट नथिंग, और नहीं लिखता था कोई ऐसी चीज़ दैट माइट अपसेट, जो कि गम में डाल दे, जो अपसेट माने होता है गम में डाल देना, ओके, मायूस कर देना। एंड रोट नॉट, और नहीं लिखता था कोई ऐसी चीज़ जो अपसेट कर दे, जो नाराज़ कर दे एन अननोन अमेरिकन गर्ल, एक अनजानी अमेरिकन लड़की को, अननोन माने अनजानी, अनजाना सा, अनजानी। इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस, इंग्लिश एलिस को तबीयी तौर पे आती थी, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है एलिस को एलिस की मादरी ज़ुबान थी, इसलिए उसको ये इंग्लिश नेचुरली आती थी। वेयर इज माने वहीं पर, फॉर मी मेरे लिए, इट वाज अ फॉरेन लैंग्वेज, यह एक गैर मुल्की ज़ुबान थी, फॉरेन लैंग्वेज गैर मुल्की ज़ुबान। वेयर इज फॉर मी, और मेरे लिए यह एक गैर मुल्की ज़बान थी, एक्वायर्ड विद ग्रेट पेन,
जो कि हासिल की गई थी विथ ग्रेट पेन, बहुत ज़्यादा दर्द के ज़रिए से, यानी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत के ज़रिए से जो कि हासिल की गई थी। क्योंकि मैं फॉरनर नहीं था, मेरी ज़ुबान इंग्लिश नहीं थी, इसलिए मैंने इसको काफ़ी यानी मेहनत से हासिल किया हुआ था, मतलब ये कहना चाहते हैं। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल, मैं बहुत जज्बाती था। सेंटिमेंटल मीन्स जज्बाती। इवन शाई, शर्मीला भी था। शाई मीन्स शर्मीला, इवन माने भी। इन माई वर्ड्स, अपने लफ्ज़ों में, एंड फ्रेजेस और मुहावरों में, यानी मैं काफ़ी जज्बाती और शर्मीला भी था अपने लफ्ज़ों में और मुहावरों में, यानी मैं जब उसको लेटर लिखता था तो मैं अपने अल्फाज और मुहावरे देख देख करके इस्तेमाल करता था कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए और मुझसे खफा ना हो जाए। बट हाइड हिडन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माई हर्ट वॉज अ सेंस ऑफ रोमेंस, लेकिन कहीं छुपा हुआ मेरे दिल के एक कोने में एक रूमानी जज्बात भी थी, एक रूमानी एहसास भी था, दैट आई डेयर्ड नॉट एक्सप्रेस, जिसे मैं बयान करने की ताकत नहीं रखता था। ओके, हिडन माने छुपा हुआ, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का इस्तेमाल, समवेयर माने कहीं, समवेयर माने कहीं, इन द कॉर्नर ऑफ माई हर्ट, मेरे दिल के कोने में। सेंस ऑफ रोमांस यानी रोमानी एहसास था, दैट आई डेयर्ड नॉट एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मीन्स यानी बयान करना, डेयर मीन्स होता है जुरात करना, लेकिन मेरे दिल के एक कोने में कहीं छुपा हुआ एक रोमानी एहसास भी था, जिसे मैं बयान करने की ताकत नहीं रखता था। एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स इन हर बैलेंस्ड लॉन्ग हैंड, एलिस लंबे चौड़े मौजून ख़तों को लिखती थी, येट रिवील्ड लिटिल ऑफ हरसेल्फ, लेकिन फिर भी अपने बारे में कम ही बताती थी। रिवील माने होता है इनकशाफ करना या बताना। एलिस जो है काफ़ी लंबे लंबे लेटर्स को लिखती थी अपने मौजून हैंड राइटिंग के ज़रिए से, लेकिन अपने बारे में कम ही बयान करती थी। बैलेंस्ड के माने होते हैं मतलब जो मतलब जचा तुला हो, ठीक है। लॉन्ग हैंड यानी लॉन्ग हैंड राइटिंग, ओके। लॉन्ग लेटर्स यानी लंबे खत, डिटेल खत यानी उसमें मालूमात हूँ। येट माने फिर भी, रिवील माने इनकशाफ करना, लिटिल माने थोड़ा, ऑफ हरसेल्फ अपने बारे में, या तो आज यहीं तक इंशाअल्लाह, फिर कल और ज़्यादा करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इला लिका, अस्सलामु अलैकुम।